स्टॉक मार्केट की हालत कितनी खस्ता है यह कौन नहीं जानता। यदि शेयर मार्केट के बारे में अनुभवी व्यक्ति हमें शेयर मार्केट के रिस्क से लेकर कौन सा खरीदे कौन सा बेचे कब कैसे सभी की जानकारी दे तो खास तौर पर यंग जनरेशन को जिसे इस फील्ड पे आने की रुचि है पर वहाँ हिचकिचा रहा है। खंडेवाला सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें चीफ गेस्ट ब्लू ओशन लिमिटेड के आशीष महेश्वरी, सोशल एक्टिविटीज दीप देसाई, खंडेवाला सिक्योरिटी मुंबई से NSEBLE ब्रोकर परेश खानवाला, उनके सुपुत्र प्रणव खानवाला, साथ ही रणवीर मंच सत्ता ने कार्यक्रम में उपस्थित इस कोरोना काल के बाद स्टॉक मार्केट की अधिकतम जानकारी दी। देखिए हमारी यह खबर तो आप भी क्यों वंचित रहते हैं, देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव खबर। क्या है कि कोविड के माहौल में और इससे भी पहले हम लोगों ने देखा है कि मार्केट को जब भी कुछ बहुत बड़ा फटका पड़ा है और उससे जब भी उभर के आते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर नए आते हैं। और ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल लोगों का जो एंट्रेंस है, मतलब ये 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मार्केट से छूट रहे हैं अभी। तो ऐसे माहौल में हम लोग बहुत टाइम से ये सेमिनार करना चाहते थे लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लोग थोड़ा सा अभी कर पा रहे हैं, जब भी फुल कैपेसिटी का पूरा लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि आपको आपका गोल क्या है, आपको रिसर्च क्या करना है, आप कहीं पे भी ट्रैप ना हो जाए, आपका जो कैपिटल है वो हार्ड एंड मनी है, वो ऐसे जो आपके वेल्थ हैं उनको अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया, सोच समझ के ट्रेड किया तो शेयर बाजार जैसा कोई रिटर्न देने जैसा कोई एवेन्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर इसमें ज़रा सी भी कोई आउट ऑफ डिसिप्लिन या तो फिर लैक ऑफ नॉलेज के हिसाब से अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं या तो फिर एनी अनऑथोराइज्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के पे ओवर रिलायंस करते हैं तो शायद से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्बेलेंस हो सकता है या तो फिर आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। सो जितने भी रिटेल लोग हैं उनको एजुकेट करना ये हमारा सबसे पहला गोल है। और यस, जैसे कि आशीष जी ने कहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी है, जितने भी फाइनेंशियल से जुड़े लोग होते हैं वो सबका एक थोड़ा सा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए ताकि लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके इंडिया के अंदर। और आज के जो सेमिनार है उसमें मैं खंडवाला सिक्योरिटीज़ के प्रणव भाई खंडवाला, रिनव जी मानसत्ता, हम लोगों ने सबने मिलके यही लोगों को समझाया है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, बहुत सारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है अनऑथराइज, लेकिन आपके पास एक खुद का बेस होना चाहिए कि जिससे आप खुद अपना फैसला कर पाए कि आपका पैसा कहाँ जा सकता है और आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिसर्च करना चाहिए, आपका गोल क्या है और उसको आपको अचीव किस तरीके से करना है। सो इसके लिए ये सेमिनार रखा गया था। सर, आज आपने एक शांति का मूल मंत्र दिया है लेकिन मेरे विचार से सबसे ज़्यादा अशांति ब्रोकरों में होती है। तो ये जो 2 वर्ष का काल घट गया है तो आने वाले 2022 में आप इस मंत्र को किस रूप में देखते हैं? देखिए, 2020 से 2022 सबके लिए बहुत ही सीखने वाला टाइम था। अगर हम ब्रोकर्स की बात करें, मैक्सिमम ब्रोकर्स कॉल टू ट्रेड थे, ऑफलाइन थे, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ये हमको सिखाया, हमने अडॉप्ट कर लिया है, पर सबको पैसा भी चाहिए, सबको ग्रो भी करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस और जर्नी है। लोगों को लगता है मैंने एक बार कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट खोल लिया, मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक विचारधारा है, एक विचारधारा के तहत जब हम काम करते हैं या मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं उसके लिए प्लानिंग करता हूँ। जब तक मैं वो प्लानिंग नहीं करूँगा मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, और आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मेन पर्पस है कि लोगों को मालूम होना चाहिए मुझे क्या करना है। वेदर पैंडेमिक आए या वॉर आए या कुछ भी आए, हर एक में अपॉर्चुनिटी होती है अंदर छिपी हुई। अगर पैंडेमिक आया, काफ़ी ऑफिसेस बंद हो गई,
पर कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लाई करने वाले के धंधे बढ़ गए बिकॉज लोगों को लैपटॉप घर पे चाहिए थे, तो एक एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो मेरे पास बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन, मेरा थॉट प्रोसेस क्या करना कैसे करना, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं कैपिटल मार्केट का अगर उदाहरण देने की कोशिश करूँ, आज नीरव भाई मुझसे अग्री करेंगे, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, लोग कन्फ्यूज है मुझे क्या करना क्या नहीं करना। ये आज का जो सेमिनार हुआ है इसमें हमारा जो पर्पस था इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग विथ वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, पर्पस ये था कि उनकी उनका मानसिक थॉट प्रोसेस क्या हो झंझोड़ना है कि मुझे क्या चाहिए मुझे कहाँ जाना है। अगर मैं कैपिटल मार्केट का सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर मुझे दिन की 10 स्ट्रैटेजीज मिलती है उसमें से अगर मैं 5 स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रखूँ, अगर 3 स्ट्रैटेजी गलत है 2 स्ट्रैटेजी सही है तो भी मेरा दिन का 4% रिटर्न हो, 1-3% नुकसान हो, 1% मैंने दिन का रिटर्न बनाया। अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी पूरा हफ्ता करूँ हफ्ते में 5% मैं कमा सकता हूँ, 5% नहीं कमाया 3% हफ्ते में कमा सकता हूँ, महीने में 12% कमा सकता हूँ, महीने में 12% कमा सकता हूँ तो पूरे साल में 144% कमा सकता हूँ। मैं बोलूँ बस कुछ भी मत करो, पर अगर थोड़ा भी स्टेबिलिटी से सोचो कि मुझे क्या करना है, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ या मैं क्या हूँ, अगर हमको हमारे बारे में मालूम है ना हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जैसे मैंने कहा सेमिनार में, इंडिया में प्रॉब्लम है कि वी लिव पुअर डाई रिच, हम जमा करते रहते पर हमको मालूम नहीं हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। आज अगर पैंडेमिक में मेरे पास 10 दुकानें थी, मैंने सारी रेंट पे दी थी, रेंट से मेरा घर पैंडेमिक के बोले बहुत अच्छा चल रहा था, पैंडेमिक में जब ये दुकानें खाली हो गई या रेंट आना बंद हो गया उसका मैं क्या करूँगा, ना मैं रियल एस्टेट बेच पा रहा था ना मुझे रेंटल इनकम आ रही थी। तो पर्पस है फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन में आपका थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम फ्रेम और मेरा गोल ये दो चीज़ डिसाइड करेंगे मुझे क्या करना है। इक्विटी मार्केट भी ज़रूरी है, फिक्स डिपॉजिट भी ज़रूरी है, रियल एस्टेट भी ज़रूरी है। विद दैट पर्सपेक्टिव पूरा अप्रोच यही है कि हम पीपल को एजुकेट करें और एक उनके मन में थॉट क्रिएट करना है कि बॉस मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी कैपिटल मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट क्लासेस जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। तो दैट इज़ वेयर आई थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड क्या करना है कैसे करना है। आई थिंक कोविड काल के उपरांत में आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि क्या है कि पिछले 2 साल में जितना भी इंडियन मिडिल क्लास है उसमें 10 में से कम 5 जो लोग हैं उन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था करीब पिछले 6 महीनों में जब हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब $22 बिलियन के स्टॉक बेचे हैं, ये हमारे जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के भारतीय सिटीजन हैं उन्होंने स्टॉक को खरीदा है भले म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू और या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। तो इस टाइप की इवेंट जो हैं जहाँ पर उन्हें एजुकेट किया जा रहा है कि जो इंडिया की स्टोरी है ये क्यों आगे और चलने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 20 साल तक वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो निवेश होगा वो स्टॉक मार्केट में होगा, और जैसे मालूम है आपको कि इंडिया की जो जीडीपी का करीब 30% हिस्सा जो है वो इंडिया सेव करता है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है और 30% जो सेविंग होती है उसमें से भी करीब जो 30% है वो अभी इक्विटी मार्केट में वहाँ तक पहुँचा नहीं, हम 10-15% के बीच में टिके हुए हैं। तो मुझे मानना है मेरा मानना है कि बहुत एक हेल्दी साइन है कि यदि भारतीय कंपनियों को इक्विटी के माध्यम से पैसा मिलेगा तो जो उनकी ग्रोथ है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई होगी। बट पिछले कुछ सालों का जो एक एक्सपीरियंस है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी सारा नुकसान भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में यदि पेशेंस रखेंगे और कैलकुलेटेड और लर्निंग के साथ करेंगे तो बिल्कुल पैसा यहाँ पे बनने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज का जैसा जो सेशन था जहाँ पे बताया गया कि आप कैसे निवेश करें और क्या निवेश के प्रिंसिपल हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है किसी भी निवेश की, तो ये निवेशकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो काम आज के वर्कशॉप में हुआ। और मेरा मानना है कि इस टाइप की वर्कशॉप को स्टॉक एक्सचेंजेस को भी प्रमोट करना चाहिए जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर अपने अपने व्यूज़ दें और अनबायस्ड व्यू दें।
तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सर्टन डायरेक्शन में एक व्यू दें। आई थिंक लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है या कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है निवेशकों तक वो बहुत फास्ट पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सुपीरियर इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों तक की है मीडिया के माध्यम से, सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को जैसे ही कोई घटना होती है अगले कुछ समय में बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और वो गांव-गांव तक पहुंच गई है क्योंकि टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के कारण से हर जगह डिश टीवी या आपका टेलीफोन पे या मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन फ्लो में से अपने काम की क्या चीज़ निकालना, कब किसी के निवेश को करना और कब निकालना, ये बहुत ज़रूरी एक स्किल सेट है जो स्टॉक मार्केट में भी जो निवेश करते हैं उनको आना चाहिए। तो आज ये प्रयास यही था कि इन सारी चीज़ों के बारे में जितने भी पार्टिसिपेंट थे तो उनको सबको बताया गया, और मेरा बहुत बहुत आभार जो ऑर्गेनाइजर जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। देखिए सर, जी आप कहेंगे सर, आज के दौर में जहाँ पे मतलब सोशल मीडिया इतनी हावी है, सब कुछ नॉलेज मिल जाता है, फिर भी इस तरह का सेमिनार करना कितना जरूरी था, कितना हो सकता? देखो, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिनके मुख्य स्पेशल गेस्ट जो थे मुख्य अतिथि आशीष महेश्वरी जी ने, और ये खानवाला सिक्योरिटीज के प्रेरित प्रोग्राम था। बेसिकली स्ट्रेटेजी जो गलत होती है मार्केट में, लोग जो वेव में आ जाते हैं, रूमर में आ जाते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जाए और सच्ची स्ट्रेटेजी कैसे फिक्स किया जाए, तो टाइमिंग के हिसाब से कैसे ट्रेड करना, वो टेक्निकल नॉलेज नीरव ने दिया। खानवाला सिक्योरिटीज़ ने जो जो सर्विस देते हैं वो अपने आप मत क्या, और जो मानसिकता जी है उसने जो एवेन्यूज जो क्या क्या होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, कि भी लैंड भी है, गोल्ड भी है, एफडी भी है, म्यूचुअल फंड भी है, तो टाइमिंग्स यहाँ इंडिया का अभी क्या है कि पैंडेमिक गया तो वॉर आ गया, तो इस सिचुएशन में इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी का सेविंग हो रहा है, सब बोला, लेकिन तुमने राइट इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेना है कि भी ये माहौल में आप बोले कि सेल चल रहा है इस स्टॉक मार्केट में, तो डिलीवरीज लो नो कि आप लीवरेज या तो ये करके फ्यूचर ऑप्शन रिस्की है, स्टॉक ऑप्शन, तो ये सब जो लाल बत्ती है वो महेश जी ने बोला। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में जो लेना चाहते हैं वो किस तरह लेते हैं तो जल्दी प्रॉफिट होता है, वो नीरव ने सिखाया। ये जो भाई थे हमारा रीनव मानसेता, उसने कैसे कि भी एक माइंडसेट करो कि अब क्या करना है, किसके लिए हम ये कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या पेंशन के लिए, माइंडसेट की करके करोगे तो कितना सारा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा। और मैं तो एक पहले करता था स्टॉक मार्केट, अभी है नहीं क्योंकि मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन, बट ये मेरे सोशल काम में आता है कि मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करूँ, तो ये प्रोग्राम में मुझे सबका सहकार मिला, खानवाला सिक्योरिटीज का और इसका, तो आज लोग कुछ लेके गए हैं, जिसके बोले किसको आप पानी पिलाओ दो तीन घंटा वो रिलीव रहेगा, लंच कराओ तो एक दिन जाएगा, कोई गिफ्ट दे दो तो एक साल याद करेगा, लेकिन ज्ञान दे दो, नॉलेज दे दो तो वो पूरी जिंदगी याद रखेगा कि कैसे ये सब मिलता है, तो वो देने का प्रयास किया। आज कितना सपोर्ट कर दिया, देखो आज ट्रेंड क्या हो गया कि गूगल आ गया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तो सब सब खुद का एक बिजनेस करते हैं, फैलावा बढ़ाने के लिए यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं जो अनऑथोराइज थे। आज सेबी ने क्या किया, मैंडेटरी किया कि 2013 के बाद एक मैंडेटरी है कि रिसर्च एनालिस्ट है तो जो रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो ही पब्लिक में टिप्स दे सकता है और उनके कुछ मतलब कमाई का साधन। लेकिन आज जैसे कि इलीगल डॉक्टर्स है विलेज में, कोई हड्डी के सब दे देते, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे टेलीग्राम चैनल बढ़ गए, तो ऐसे में यूथ जो है उसको मैं कहता हूँ ऐसे सेमिनार में आए, ऐसे एक्सपर्टीज के पास आए, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट महेश्वरी जी दूसरा भी एक बिल डिस्काउंटिंग का भी वो करते, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे और एक सेमिनार में समझाना है, तो अलग अलग एवेन्यूज का लाभ ले लोग, स्टॉक मार्केट के सट्टा किए हुए न जाए यूथ, तो जस्ट है कि वो तो ये पबजी जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये जो जैसे कि ये
ब्लू सी के ऐसा कुछ गेम था, उसमें लोग सुसाइड करते थे, पबजी में करते, हमको इसमें सुसाइड करने देना नहीं है युद्ध को। इसलिए हमने रास्ता ये चुना कि भले ही हाजिरी कम हो, आज 250 लोगों से हाजिरी से हम लोग ऐसा था कि चलो आज आएंगे, लेकिन ये सेरेमनीज, ये गर्मी और ये मौसम पर मार के घबराए हुए लोग, वॉर से घबराए हुए, लेकिन इतने लोग को हमने कन्वी जो हमारा संदेश महेश जी का, नीरव का, प्रणव का देना ये जरूरी था, ये हमने लिया, उसका संतोष है। जरूर करेंगे, देखो हम थकते नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये माहौल जो है ना जिस तरह से डेवलप हो रहा है स्टॉक मार्केट में, देखो LIC का इश्यू आ रहा है, पहले इंडिया में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अभी 10 करोड़ है, व्याप बढ़ रहा है, व्याप बढ़ रहा है, लोग लाभ लेंगे, इलीगल लाभ देंगे, तो ऐसे न और लिटरेसी फैलें, और लिटरेसी से ही फायदा है इंडिया में, तो ये एक जरूरी था। बोरीवली में करेंगे या कहीं और भी? नहीं, बोरीवली, अंधेरी, हम सेंट्रल में, साउथ मुंबई में, सभी जगह, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी करते हैं, आउट ऑफ मुंबई भी करते हैं, विद इन महाराष्ट्र सब जगह करते हैं। ओके सर। प्रणव खांडवाला और मेरे साथ मेरे पिताजी मिस्टर परेश खांडवाला। आज की तारीख में मार्च आफ्टर कोविड हम लोग ने एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इन एसोसिएशन विद अपना नीरव देसाई, हु इज अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, एंड रीनव मानसेटा, हु इज एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एंड हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आशीष महेश्वरी, हु इज पार्ट ऑफ द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो आज का कार्यक्रम एक्चुअली प्राइमरीली फोकस था कि लोगों को बुला के एक अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करने का कि मार्केट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, करंटली क्या चल रही है, क्या सिचुएशन हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, और एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी थोड़ा दिया कि टेक्निकल एनालिसिस पे कैसे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, उस तरह से हम लोग ने एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाया है, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग आए। अभी आगे जाके भी हम लोग बहुत और ऐसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, और पर्पस वुड बी टू गो एंड कनेक्ट विद पीपल एंड गेट मोर एंड मोर, गिव मोर एंड मोर एजुकेशन एंड एडवाइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिनेरियो इट इज। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, सर ने लास्ट में जो बोला, मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, एक तो सिर पे बर्फ रख के धंधा करना, यानी करेक्ट दिमाग से करना, करेक्ट। दूसरा, एक जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी लैंग्वेज आती है, हिंदी हो, राइट, गुजराती, करेक्ट। आपने कितना कुछ प्रेरित किया, कितना कुछ सीखा सर से? डेफिनेटली। तो मेरे पिताजी ने, उनसे, फादर से लर्न किया, मैंने, मेरे ब्लड में तो ब्रोकिंग उन्होंने से ही आई है, उनसे ही आई है। तो देख देख के, स्टोरीज सुन सुन के, रिंग की स्टोरीज, टाटास की स्टोरीज, और हाउ कॉर्पोरेट्स के साथ कैसे उन लोग ने डील किया है, हम लोग जब भी पहले दिवाली में कैसे बनाते थे, तो वो कॉर्पोरेट्स को जाके हम लोग लंच लेते थे, यू नो, ये सब देख देख के कैसे बात करते थे, वही सीखा है। तो मैं 2002 से जब इसे बिजनेस में आया हूँ, यही सब देख के ही आया हूँ। तो जैसे बोलते ना, कोई एक्टर का बेटा प्रोबेबली एक्टर ही बनता है, तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या ब्रोकर का बेटा मैं उसमें ही गया, तो मेरे को ये धंधा उनसे ही मैं सीख के आया हूँ। और दूसरा, यस, ठंडा दिमाग। हमारा मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत सारी न्यूज़ होती है, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड थिंग्स चेंज, तो हम लोग को एकदम शांत, पेशेंस से, रिसर्च से हम लोग को हमारा धंधा करना पड़ता है। तो यू हैव टू हैव अ वेरी कोल्ड माइंड, वेरी सॉर्टेड माइंड। अगर मैं खुद एकदम डिस्टर्ब हूँ एज एन एडवाइज़र, हजार चीज़ें देखता रहता हूँ, हजार चीज़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें फिर प्रॉब्लम होएगा। तो उस बेसिस पे हमारा फोकस बहुत क्लियर है, इसलिए जब भी मैंने मेरा स्पीच भी दिया, हम लोग बोले कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिस्ट, और मेरा, हम लोग का स्पेशलिटी इक्विटी कैपिटल मार्केट है, और वही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। सी, कोविड वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो विच हैज एवर हैपेंड इन लास्ट 100 ईयर्स। Every human being has learned, just not in India but worldwide, you know. One of the reason of today's this seminar also, you can meet physically to the people, because that was not possible in last particular year, 2 years, you know. I'm personally of an opinion of that it was a very learning curve,
It was a great learning curve for every business, every individual, every family, every, you know, named a student to the work at home. A culture was never, ever anybody has thought of. सुबह में बच्चा उठा, पिताजी बोलता था अरे स्कूल जा जल्दी उठ भाग. आज धंधा वाला आदमी है तो बोलता था अरे जल्दी उठ तेरा नौकरी का टाइम हो गया. वहाँ बोलते थे चलो ऑफिस जाना है भाई. ना कोई बोलता था ना कोई इसको जवाब देना पड़ता था. सी लुक एट द चेंज, यू नो, इन जस्ट दैट टू इयर्स ऑफ इट बेसिकली अ कोविड सिचुएशन. सडनली there was lot of difficulties in all respect everywhere, you know, people have suffered, but it was a, again I'm repeating, it was a great learning curve for everybody and things started changing. People have become habitual of basically living under that scenario and that circumstances as well, you know, which ever has been imagined, you know, ke 24 ghanta aur 365 din ek hi ghar mein baith ke हस्बैंड वाइफ इज टूगेदर ना. हस्बैंड बाहर जाता है तो उसको भी सिर पे लगेगा अरे बॉस ये क्या है रखा दिन बैठा पड़ा है मेरे साथ. एनी वे वी वर इन अ स्टॉक मार्केट सो 9 o'clock टू द 3:30 मार्केट स्टार्ट सो यू आर इन योर ऑफिस रूम और वॉट एवर इट इज यू नो. एक बट इंडिया की एक सबसे बड़ी खासियत यू नो एंड आई वुड लाइक टू थैंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट certainly the leader and our prime minister Mr. Modi ji, you know, the kind of a way the things have been managed, handled, you know, is really remarkable. And we have become a kind of an example in the world market as far as the vaccination goes. 130 crore people where you have to basically cover 80% of the population, you know, in just span of an 18 months, it's a great challenge. India hi kar sakti hai, aur India ke manufacturer, like in Dr. Cyrus Poonawalla, you know, Serum Institute and a few others who has contributed to this kind of, a, just not for the Indian people, but to the entire world, you know. So India has become a one of the destination, you know. India is always a roaring tiger, you know. Was always a roaring tiger since, if we try to analyze since 1990, you know, immediately after the China has gone for a, what you call, and India economy has opened up under the leadership of Sriman Mohan Singh ji, you know. So India was a known other thing. India is a need to the world. India is going to be the need. You see, in a many respect, in a many sectors, we are the cheapest labor market compared to the world. If you see the pharmaceuticals, we are the largest in the basically the exporter. India has produced the highest number of the scientists, which India gives to the world. Best of the pharmaceuticals world, you know, you see the Indian scientists are. Today you see the Amazon, the best of the best, the largest companies, CEOs are of it basically Indian. So we certainly take a proud, you know, for India and for Indians, you know, everybody who has contributed in some manner in this last difficult 2 years, you know, in between this Ukraine war of last 16 or 17 days, often, which is a little bit question marks left on everybody's mind, just not in basically India, related to the stock market, you know. But I had covered that, you know, the because of the market is going to be the volatile, market is going to remain volatile, commodity prices are basically moving up, you know. I won't say that it is going to be a difficult time, but it is going certainly to an extent is going to be a tough time, you know, for another 3 to 4 quarters, you know, if oil price, this war suppose aggravates oil prices, big question marks, commodity prices, big question marks, then the corporate profitability will be, or to an extent is going to, you know, be affected, you know, then the basically the stock market
besides that, you know that how the allocation of the funds going to be towards an other emerging countries, you know. Accordingly, basically, Indian market also will behave. But we at Khandwala Securities, we are of an opinion, probably the FIIs will remain continuous seller for some time. DII will be a continuous buyer, you know. We have to live with the volatility.